जो गर्दन पकड़ के हां करवा रहे हैं कि अगर खिलाफ है, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सिर्फ धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। डूबने वाला गंगा जी तो अपनी है, नाव में किसने छेद किया है, सच बोलो। इसको सच नहीं बना पा रहे, हालात ये हैं। दोस्तों आज वो सरकारें बैठी हैं, उन झूठों की सरकारें बैठी हैं, उन लोगों की सरकार है जो गर्दन पकड़ के हां करवा रहे हैं। उन्होंने नोटबंदी हमारे ऊपर थोप दी, नोटबंदी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, सारा हिसाब लगा लिया गया, कोई फायदा नहीं हुआ, वो थोप दी गई। जीएसटी थोप दी गई हमारे ऊपर, ऐसे ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं। आज हमें कश्मीर का मसला चल रहा है, हम नहीं मना कर रहे, हम बिल्कुल साथ हैं। अगर कश्मीर में शांति आती है, अगर वो हमारी जन्नत दोबारा जन्नत बनती है, हम 370 हटाने को बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इन शर्तों में नहीं कि 2 महीने तक वहां कर्फ्यू लगाया जाए, इन शर्तों में नहीं। आपको वहां बात करनी चाहिए थी, आपको वहां तंजीमों को भेजना चाहिए था, आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आज तक पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। आपने 3 तलाक का मामला कर दिया, क्या जरूरत थी? मुसलमानों को तो जरूरत है नहीं, सारी कौम हमारी यहां बैठी है, उलमा लोग बैठे हैं, हमारी सारी टीम सारे लोग बैठे हैं, महिलाएं हमारी बैठी हैं, कोई उसकी जरूरत नहीं थी, हमारे पास सारी चीजें मौजूद है। हमारा मुस्लिम ला, हमारी कौम वो सारी बातें के लिए तैयार है, हमारे यहां कोई इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने वो थोप दी। इस तरह से सरकारें चलाना और बात बात पर झूठ बोलना, दोस्तों मैं बहुत ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता। एक शेर के साथ रात इंदौरी की वो लाइन मुझे याद आती है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकार, इस सरकार की बात कर रहा हूं कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और शहर में ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे बोर्ड लगा है सच बोलो। पहले तो तुम इतने टूट के वहां मिलते थे, आखिर आज इरादा क्या है सच बोलो। और डूबने वालों, गंगा जी तो अपनी है, डूबने वालों, गंगा जी तो अपनी है, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। और दोस्तों हम नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन बोलने के साथ बोलने की आजादी होनी चाहिए, अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए, उसके हम साथ हैं। और हम वो हैं, मैं एक लाइन और 2 लाइन उसको उसकी राहत इंदौरी की आपको सुना देता हूं कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सिर्फ धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और सभी का खून है, सुन लो, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कोई अगर ये समझता है कि मेरे बाप का हिंदुस्तान है, नहीं, सबका हिंदुस्तान है, किसी अकेले के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और एक चीज मैं एक शेर और इसके साथ सुनाकर, तीसरी लाइन का एक और सुनाकर आपके चलता हूं कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज सत्ता में बैठे हैं वो कल नहीं होंगे। ये लोकतंत्र का देश है, यहां 100 साल की या 50 साल की सरकार नहीं होती, 5 साल की सरकार होती है। तो जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, अरे किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। तो मैं एक शेर के साथ बिल्कुल अपनी बात खत्म कर दूंगा कि खामोश कर रहा तो तुझे लूट लेंगे लोग, कमरुद्दीन साहब, खामोश कर रहा तो तुझे लूट लेंगे लोग, ये पत्थरों का शहर है, पत्थर से बात कर, पूरा अभी जय हिंद जय भारत।